यूपी में फ्री राशन वितरण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा यहाँ पे एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से अब यहाँ पे यूपी में फ्री राशन वितरण 3 महीने तक चलाया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, सो बने रहे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार चैनल को विजिट किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि हर एक छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आप यहाँ पे ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच गरीबों को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों को अगले 3 माह तक 5 किलो राशन निःशुल्क देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रोजाना काम करके अपनी आजीविका चलाने वाले गरीबों को 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का भी निर्देश यहाँ पे दिया है। पहले ये जो है मई और जून तक ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे इसे बढ़ा करके 3 महीने यहाँ पे कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपने अपना जॉब कार्ड वगैरह बनवा रखा जिस तरीके से, पहले मैं आपको बता दूँ, सेम प्रोसेस पहले की तरीके से ही यहाँ पे जो है पैसे आने वाले हैं गरीब परिवार के खातों में। तो जिन्होंने जो जो है यहाँ पे जॉब कार्ड अपना बनवा रखा था, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे गरीबों के खातों में पैसे आना चालू होंगे। जिस तरीके से आपने पहले जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठाया था, जिन्होंने अपना जॉब कार्ड बनाया था, नरेगा जॉब कार्ड, जिन्होंने जो काम किया करते थे उनको जो है यहाँ पे 1,000 रुपये की सहायता राशि जो है उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते थे। यहाँ पर देखेंगे जरूरतमंदों को अगले 3 माह तक 5 किलो राशन निःशुल्क देने का फैसला, और गरीबों को 1,000 रुपये का भरण पोषण का भी यहाँ पे देने का फैसला है। प्रति यूनिट अगर हम बात करें तो 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो है पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए यहाँ पर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर आपका अंत्योदय कार्ड है तो यहाँ पर आपको 35 किलो राशन डायरेक्टली आपको एक कार्ड पर दिया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब जो है योगी सरकार 3 महीने के राशन यहाँ पे गरीबों को देने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी की श्रेणी में आने वाले राशन कार्ड धारकों को आगामी 3 माह तक लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को आसानी से लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक और बड़ी घोषणा की कि रोजाना आजीविका चलाने वाले गरीबों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। सीएम योगी ने बैठक के दौरान शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपनी आजीविका चलाने वाले ठेला, खुमचा, रेहड़ी और यहाँ पे खोखा पटरी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, पल्लेदारी करने वाले, नाई, धोबी, मोची, हलवाई जैसे परम्परागत कामगारों को लाभ देने के उद्देश्य से 1 माह के लिए 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच इस भत्ते से यूपी के 1 करोड़ गरीबों को सीधा लाभ यहां पे मिलने वाला है। साथ ही आपको यहां पे हम बता दें कि कितने महीने तक आपको यहां पे राशन दिया जाएगा। आप यहां देख पा रहे हैं कि यूपी में जो है इतने करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में चावल और अनाज। तो यहाँ देखेंगे कि मोनिटर होल्डिंग में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यूपी के 14,78,00,000 गरीबों को योगी सरकार मुफ्त में राशन देगी। जून, जुलाई और अगस्त में प्रदेश सरकार राशन फ्री में वितरित करवाएगी। वहीं मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जाएगा। तो मई और जून में जो यहाँ पे राशन मिलने वाला है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यहाँ पे आपको राशन दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे योगी सरकार के माध्यम से जो है यहाँ पे यूपी की सरकार के माध्यम से यहाँ पे जून और जुलाई और अगस्त जो है यहाँ पे उनको फ्री राशन वितरित किया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना संकट बीच उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए योगी सरकार ने रात भर फैसला लिए। प्रदेश के 14,78,00,000 गरीब परिवार को प्रदेश सरकार जो है जून से 3 महीने तक फ्री में अनाज देगी। जून से मुफ्त अनाज का वितरण किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है मई और जून में अनाज दिया जाएगा। प्रदेश के 3,59,00,000 कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा आपको मई और जून में दिया जाएगा, और उसके बाद जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे आपके अपने यूपी सरकार के माध्यम से आपको फ्री राशन वितरण और 1,000 रुपये की धनराशि गरीब परिवारों को वितरित की जाएगी। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 2 रुपये किलो की दर से 20 किलो गेहूं और 3 रुपये की दर से 15 किलो चावल और सब मिलाकर के आपको अगर आपका अंत्योदय कार्ड है तो यहाँ पे आपको 35 किलो राशन पर कार्ड पर दिया जाता है। अगर यहाँ पे आपका पात्र गृहस्थी कार्ड है तब आपको यहाँ पे जो है 2 रुपये की दर से आपको यहाँ पे 3 किलो गेहूँ और 3 रुपये की दर से 2 किलो चावल दिया जाएगा। यहाँ पे प्रति यूनिट का जो है मामला आ जाता है अगर आपका पात्र गृहस्थी में है। पात्र गृहस्थी कार्ड वालों को यहाँ पर यूनिट 5 किलो दिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति पर 5 किलो, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। इसके बारे में और क्या आगे बड़ी खबर निकलती है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना होगा ताकि किसी भी योजना की जानकारी आपसे वंचित ना रह जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।